खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। कहते हैं जब संकट आता है तो हर तरफ से आता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है कोरोना महामारी ने और इस बात का फायदा उठाया है कुछ अस्पतालों ने। कोरोना संकट काल में ज्यादातर अस्पतालों ने मजबूरी का फायदा उठाते हुए मरीजों के परिजनों से मनमाफिक दाम वसूले हैं, लेकिन परिजनों की ओर से शिकायत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस एक्शन में आया और उसने कई अस्पतालों से पैसे लौटाने को कहा। दरअसल कोरोना के संकट काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लूट कसोट करने वाले अस्पतालों पर अब अंकुश लगना शुरू हो चुका है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई अस्पतालों को सीएमओ ऑफिस की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। सीएमओ ऑफिस से जारी नोटिस के बाद 22 लोगों के 22,62,000 रुपए लौटा दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में कई अस्पतालों ने जमकर मुनाफा कमाया और मरीजों का इलाज कराने के नाम पर नियमों के खिलाफ जाकर भारी भरकम बिल जनता को थमाया है। लेकिन जनता की शिकायतों के बाद सीएमओ ऑफिस अब एक एक बिल की बारीकी से जांच कर रहा है, जिसके मुताबिक अभी तक ऐसे 7 अस्पतालों से 22 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जनता को वापस मिल चुकी है। तो वहीं देहरादून के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव दत्त ने बताया कि जनता की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अस्पतालों को नोटिस भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक कई अस्पतालों से पैसे वापस करवाए जा चुके हैं और जो अस्पताल नोटिस के बाद भी पैसे वापस नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल को सील भी किया जाएगा। इस मामले में संजीव दत्त ने बताया कि सीएमओ ऑफिस के एक्शन के बाद जहां 7 अस्पतालों से 22 लाख की वापसी हुई है, वहीं अब कयास लगाया जा रहा है कि अन्य शिकायतों का अगर सही से संज्ञान लिया गया तो अस्पतालों द्वारा कोविड काल में जनता से भारी भरकम वसूली हुई है। भारत में टीकाकरण का दौर तेजी से चल रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आना भी आम बात है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन से कुछ लोगों में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बीमारी भी देखी जा रही है। गौरतलब है कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी इस बीमारी का नाम गुलियन बेरी सिंड्रोम है। दरअसल दो अलग अलग स्टडीज के मुताबिक ये बीमारी अब तक कुल 11 लोगों में पाई गई है, जिसमें के 7 मामले भारत के तो 4 मामले यूके के नॉटिंघम के हैं। इन बीमारी के पता चलने से 10 से 22 दिन पहले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई गई थी। आपको बता दें कि भारत में ये वैक्सीन लोगों को कोविशील्ड के नाम से दी जा रही है। आइए बताते हैं आपको कि क्या है गुलियन बेरी सिंड्रोम यानी कि जीबीएस। दरअसल गुलियन बेरी सिंड्रोम यानी कि जीबीएस बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से नर्वस सिस्टम के कुछ हिस्सों पर हमला करने लग जाता है। ये तंत्रिकाएं दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बाहर होती हैं। जनरल एंस ऑफ न्यूरोलॉजी में छपी इन दोनों स्टडीज में गुलियन बेरी सिंड्रोम के बारे में डिटेल से बताया गया है। इस स्टडी के मुताबिक एक तरह की दुर्लभ बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से चेहरे की नसें कमजोर हो जाती हैं। शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स की पाया है कि भारत में ज्यादातर लोगों को ये बीमारी वैक्सीन के पहली डोज के 2 हफ्ते के अंदर हुई है। इन सभी 7 लोगों में गुलियन बेरी सिंड्रोम के गंभीर लक्षण पाए गए थे और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि स्टडी के मुताबिक इतने कम समय में ये बीमारी उम्मीद से ज्यादा तेज गति से फैल रही है। वहीं बात की जाए कि स्टडी पर की गई शोध के बारे में तो बीमारी से इन लोगों के चेहरे के दोनों किनारे कमजोर होकर लटक गए थे। वैसे आमतौर पर गुलियन बेरी सिंड्रोम के 20% से कम मामलों में ऐसा ही होता है। ये स्टडी वैक्सीनेशन और इस बीमारी से जुड़े एक तरह के पैटर्न के बारे में बताती है। अब बात करते हैं नॉटिंघम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से जुड़े स्टडी के बारे में। तो इस स्टडी से जुड़े एक लेखक ने कहा है कि सार्स कोवी 2 की वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, फिर भी हमें 4 ऐसे मामले मिले हैं जिनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के 3 हफ्ते के अंदर ही जीबीएस बीमारी हुई। शोधकर्ताओं ने कहा है कि हम सार्स कोवी 2 के लिए वैक्सीन के बाद गुलियन बेरी सिंड्रोम से चेहरे के मांसपेशियों की कमजोरी के मामलों में सतर्क रहने की सलाह देते हैं। स्टडी के नतीजों से वैक्सीन के बाद इस तरह के मामलों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की स्टडी में भी कोरोना से संक्रमित मुंबई की एक गर्भवती महिला में जीबीएस का दुर्लभ मामला पाया गया था।
इस स्टडी के मुताबिक प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में ही महिला का अचानक गर्भपात हो गया। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोविड 19 गर्भवती महिला में इस सिंड्रोम का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें पेट के अंदर ही बच्चे की अचानक मौत हो गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GBS नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी है। शुरुआत में इसे शरीर कमजोरी में होने लगती है, चेहरे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हाथ पैरों में हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है। कुछ लोगों में इससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और शरीर में फैलने पर इसे लकवा भी हो सकता है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो देरी ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में एक घर में धमाका हुआ। एक न्यूज एजेंसी जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। इस हमले की खास बात यह है कि वही इलाका है ये जहां कुख्यात आतंकी हाफिज सईद रहता है। हमले के बाद रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस और बम निरोधक दल घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि अभी एजेंसियां इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हैं कि धमाका हाफिज के घर को ही निशाना बनाकर किया गया था या कोई और वजह थी। वैसे जानकारी के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद इन दिनों जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों और इमारतों के शीशे तक टूट के बिखर गए। एक इमारत तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और विस्फोट स्थल पर खड़े कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में बचाव अधिकारियों का कहना है कि 17 लोग घायल हो गए हैं और उन्हें निजी कारों और ऑटो रिक्शा के जरिए जिन्ना अस्पताल में भेजा गया है। जिन्ना अस्पताल प्रबंधन का कहना है इस मामले में कि घायलों को यहां तक लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक विस्फोट की प्रकृति का पता नहीं चल पाया है। तो वहीं दूसरी ओर एक चश्मदीद ने मीडिया को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने घर के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दी जिसमें धमाका हुआ। पुलिस ने आगे की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है जबकि यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि धमाका जिस इलाके में हुआ वहां काफी भीड़भाड़ रहती है। इस घटना के बाद एक और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस महानिरीक्षक से विस्फोट की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि CM ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। घायलों के इलाज के लिए जिन्ना अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा गया है। आपको बता दें कि इसी बीच एक CCTV फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में सड़क के अंदर से ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे से गैस पाइपलाइन गया हुआ था। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि पाइपलाइन में ही ब्लास्ट हुआ या फिर किसी बम का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। फिलहाल बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।